नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर पीसीसी वर्क हो रहा है, तो पीसीसी वर्क कराने के लिए सिंपली कुछ इस तरह से ड्राइंग आती है और ड्राइंग में पीसीसी का लेंथ और ब्रिथ यानी कि लंबाई चौड़ाई दी रहती है। तो ड्राइंग के हिसाब से पीसीसी का लंबाई चौड़ाई देखते हुए यानी कि लेंथ ब्रिथ देखते हुए हम पीसीसी वर्क को कंप्लीट करा लेते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको पीसीसी वर्क से रिलेटेड 6 ऐसे पॉइंट बताने और साइट पर दिखाने वाले हैं जो आपको एक सिविल इंजीनियर होने के नाते जरूर से जरूर पता होना चाहिए। मैं जिस कंपनी में वर्क करता हूं वहां मैंने एचआर से पूछा कि सर पीसीसी से रिलेटेड स्टूडेंट से आप इंटरव्यू के समय कौन कौन से क्वेश्चंस पूछते हो। तो एचआर सर ने सबसे पहले हंस के कहा कि मुझे पता है कि चैनल पर बताने वाले हो। फिर उन्होंने 2-3 पॉइंट बता के कहा कि यही वो 2-3 पॉइंट है जिसमें स्टूडेंट्स फ्यूज हो जाते हैं। तो उन सभी बातों को मैंने अपनी इस कॉपी पर नोट कर लिया है। तो आज मैं आपको इसी के आधार पर बताने वाला हूं और साइट पर दिखाने भी वाला हूं कि पीसीसी से रिलेटेड कौन से 6 पॉइंट एक सिविल इंजीनियर्स को जरूर से जरूर पता होने चाहिए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी पॉइंट को अपने दिल और दिमाग के साथ साथ कॉपी पेन निकालकर डायरी में भी नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले एक सिविल इंजीनियर्स को यह पता होना चाहिए कि व्हाट इज पीसीसी, यानी कि पीसीसी है क्या। तो पीसीसी की बहुत सारी डिफिनेशन होती है, बट एक डिफिनेशन मैं आपको बता रहा हूं, इसको आप नोट कर लीजिएगा और आप अपने हिसाब से एक डिफिनेशन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा, जिससे हम सबकी नॉलेज बढ़ सके और हम सबको पता चल सके कि पीसीसी की कितनी डिफिनेशन हो सकती है। सो इसका आंसर है पीसीसी इज द मिक्सचर ऑफ सीमेंट कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट नॉर्मली बी कॉल्ड पीसीसी। सो इस क्वेश्चन आंसर को आप अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए। यदि आप एक फ्रेशर हैं आप इतना बता देंगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपको पीसीसी की डिफिनेशन पता है। सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन पीसीसी एंड सीसी, यानी कि पीसीसी और सीसी में क्या डिफरेंट है। तो इसका आंसर है कि पीसीसी और सीसी में कोई डिफरेंट नहीं होता, दे आर बोथ एंड सेम। क्योंकि यदि आप क्वेश्चन पर गौर करेंगे तो आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज पीसीसी एंड सीसी, यानी कि प्लेन सीमेंट कंक्रीट क्या है और सीमेंट कंक्रीट क्या है। तो दोनों में कोई डिफरेंट नहीं है, दोनों सेम है, साइट पर पीसीसी को ही सीसी बोला जाता है। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा, इंटरव्यू के दौरान आपको कन्फ्यूज करने के लिए यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यदि कंफ्यूज करने वाला या फिर क्रॉस क्वेश्चन पूछने वाला इंटरव्यूअर होगा तो आपसे यह क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछ लेगा। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट इज बेस्ट कोर्स एग्रीगेट साइज इन पीसीसी वर्क, यानी कि पीसीसी वर्क में ये जो कोर्स एग्रीगेट यानी कि जो गिट्टी यूज होती है इसका साइज क्या होना चाहिए। तो इसका आंसर है कि पीसीसी वर्क बेस्ट एग्रीगेट साइज इज 10 mm to 40 mm। स्पेशली यदि हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर 20 mm की कोर्स एग्रीगेट यानी कि गिट्टी इस पीसीसी वर्क को करने में यूज हो रही है। 20 mm एग्रीगेट की बात करें तो आप देख सकते हैं ये आपकी 20 mm की एग्रीगेट है, आप देख लीजिए ध्यान से, और ये आपका 40 mm का एग्रीगेट है। ये 20 mm का एग्रीगेट है, ये 40 mm का एग्रीगेट है। मेजरमेंट की बात करें तो चलिए हम माप देते हैं, ये आपका 40 mm का एग्रीगेट है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल देख लीजिए 40 mm यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ तक ये एग्रीगेट दिखाई दे रहा है। तो ये 40 mm का एग्रीगेट हो गया। और 20 mm एग्रीगेट की बात करें तो आप देख लीजिए ये आपका 20 mm का एग्रीगेट है, ये लगभग 25 mm तक जा रहा है, और इस इधर से यदि नापेंगे तो ये 20 mm का जा रहा है, ठीक है। तो ये 20 mm का एग्रीगेट हो गया और ये 40 mm का एग्रीगेट हो गया, क्लियर। इतनी बात अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नहीं तो इसी तरह से प्रैक्टिकल वीडियो आती रहेंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। क्वेश्चन नंबर 4th की बात करें तो विच सीमेंट इज बेस्ट फॉर पीसीसी वर्क, यानी कि पीसीसी वर्क के लिए कौन सा सीमेंट सबसे बेस्ट है। तो इसका आपको आंसर करना है कि पीपीसी सीमेंट इज बेस्ट फॉर पीसीसी वर्क, यानी कि पीसीसी वर्क के लिए पीपीसी सीमेंट सबसे बेस्ट माना जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज नॉर्मल कंक्रीट रेशियो फॉर पीसीसी वर्क, यानी कि पीसीसी वर्क के लिए सीमेंट सैंड एग्रीगेट का कौन सा मिक्सचर ज्यादातर यूज होता है।
पीसीसी वर्क करने के लिए हम कुछ इस तरह से सीमेंट सैंड एग्रीगेट का मिक्सचर बनाते हैं जिसको हम कंक्रीट बोलते हैं। तो यहाँ पर वही पूछा जा रहा है कि कंक्रीट में सीमेंट सैंड एग्रीगेट का कौन सा मिक्सचर ज्यादातर पीसीसी वर्क करने में यूज होता है। तो इसका आंसर है कि 1:4:8 रेशियो इज बेस्ट फॉर पीसीसी वर्क, यानी कि पीसीसी वर्क के लिए 1:4:8 रेशियो सबसे बेस्ट माना जाता है। तो इसमें आपसे एग्जामिनर क्रॉस क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ 1:4:8। तो आपको सिंपली आंसर कर देना है कि 1:4:8 मींस 1 बैग ऑफ सीमेंट, 4 बैग ऑफ सैंड और 8 बैग ऑफ कोर्स एग्रीगेट। आप ड्राइंग में भी ध्यान से देख सकते हैं कि पीसीसी के लिए जो रेशियो दिया गया है 1:4:8 दिया गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर फुटिंग के नीचे पीसीसी लेयर है और पीसीसी लेयर के लिए जो कंक्रीट रेशियो दिया गया है 1:4:8 का दिया गया है। ठीक है, तो इसी तरह से ड्राइंग में भी दिया होता है और नॉर्मली सभी पीसीसी वर्क में 1:4:8 रेशियो का ही कंक्रीट यूज होता है। 6 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट इज कंक्रीट फॉलिंग हाइट इन पीसीसी पिट, यानी कि जहां पर पीसीसी वर्क होता है वहां पर हम कंक्रीट को कितनी ऊंचाई से गिराएंगे, यानी कि ज्यादा से ज्यादा कितनी ऊंचाई से हम गिरा सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर पीसीसी वर्क हो रहा है और पीसीसी वर्क के लिए यहाँ पर जो कंक्रीट खाई में गिराई जा रही है या कितनी ऊंचाई से गिराई जानी चाहिए। तो इसका आंसर है कि 1.5 मीटर, यानी कि कंक्रीट स्पिट में जब गिराई जाएगी तो 1.5 मीटर से ज्यादा ऊंचाई से नहीं गिराई जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंटरव्यूअर होगा आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछेगा कि 1.5 मीटर से ज्यादा हम क्यों नहीं गिराएंगे। तो इसका आंसर आपको यही देना है कि यदि हम कंक्रीट को 1.5 से ज्यादा ऊंचाई से गिराते हैं तो कंक्रीट में जो कोर्स एग्रीगेट होता है यानी कि जो गिट्टी होती है ये वो कंक्रीट से निकलकर छिटकने लगती है। आप देख सकते हैं यहां पर कंक्रीट गिराई जा रही है तो कंक्रीट में जो गिट्टी है वो छिटक रही है, आप देख लीजिए छिटक रही है चारों तरफ। इसी तरह से यदि हम बहुत ज्यादा ऊंचाई से गिराएंगे तो कंक्रीट में जो गिट्टियां रहेंगी बहुत बड़ी मात्रा में कंक्रीट की जो गिट्टियां होंगी वो छिटक जाएंगी। ठीक है, तो यही कारण है कि हम कंक्रीट को 1.5 से ज्यादा ऊंचाई से नहीं गिराते। ठीक है भाई, इतना क्लियर हो गया। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो अभी के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद।